अस्सलामुअलैकुम मिर्ज़ा नेम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो यार बेसिकली आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बेसिकली फ्रेशर्स के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड की थी पाकिस्तानी इंडियन के साथ, तो हर बंदा यही कमेंट कर रहा था फ्रेशर्स के लिए क्या सीन है। अब फ्रेशर्स का हाल सुन लें बासित भाई से। बासित भाई एज अ फ्रेशर यहाँ पे आए थे, ठीक है। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी पाकिस्तान से, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से। तो आफ्टर डैट ये मूव हो गए थे यहाँ पे आज़ाद वीज़ा पे। इनका खर्चा कितना आया, ठीक है। उसके बाद इनको तकरीबन एक साल यहाँ पे हो गया। सारी चीज़ें अब इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। सारा कुछ अगर मैं ही बता दूंगा तो ये क्या बताएं। बात तो सही है। नहीं आप बता सकते जी। बस भाई आपको तकरीबन यहाँ पे कितना अर्सा हो गया? क्या मुझे एक साल हो गया तकरीबन। मैं मेरे ख्याल से कोई अक्टूबर में लास्ट ईयर आया था और जनवरी से मैंने कोई जॉब स्टार्ट की थी। अच्छा, तो आप एज अ यहाँ पे क्या काम कर रहे थे? मैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के तौर पे काम कर रहा था। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के, तो मतलब कि उसमें क्या टूल्स आप यूज़ करते? सबसे पहले तो आप ये बताएं ना, आज़ाद वीज़ा पे कितना खर्चा है आपका? यार वीज़ा के लिए मेरे ख्याल से आपको डिपेंड करता है कि फील्ड पे भी, मोस्टली वैसे 10,000 रियाल 11,000 रियाल तकरीबन इतना आ जाता है। आपका इतना खर्चा आया? आ जाता है। और यहाँ पे आने के बाद जो इकामा था वो कितने मंथ का था आपका? इकामा मुझे उसने दिया था 5 मंथ का। 5 मंथ का, ठीक है। तो बेसिकली इसमें सीन ये भी होता है ना कि आपका 3 माह का अगर वीज़ा लगा हुआ है, 3 माह में अगर आपका 3rd मंथ के लास्ट में अगर इकामा लगता है। नहीं 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 नहीं, हाँ। ये सीन नहीं है। हाँ। ये सीन नहीं है। बेसिकली 3 मंथ्स का आपका जो वीज़ा लगता है ना, वो ये है कि आपने 3 मंथ्स पाकिस्तान में 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपने ट्रैवल करना है। अच्छा, जब इधर आपने आना है ना, आपकी एंट्री होगी सऊदी अरेबिया में, आपका वो इकामा स्टार्ट हो जाना। जब उसने देना ना इकामा, ठीक है, उसने आपको स्टार्ट करवा देना है, मतलब कि 1 मंथ के बाद। अच्छा, तो वहीं से आप शुरू हो जाएगा आपका। तो इकामा किस चीज़ का था आपका? और अकामा स्विच करने में कितनी हर्डल आएगी वो बताएं। कोई भी नहीं, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। वो बेसिकली आपका ट्रेड होता है ना, ट्रेड कंपनी चेंज कर देती है, वो कोई इशू नहीं। अकामा किस चीज का था, किस चीज का अकामा? ज्यादा मेरे ख्याल से हैवी ट्रक ड्राइवर का था या इस तरह का। तो आपने ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लिया? कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि हां, ये बेसिकली अकामा की भी है टाइप्स है ना। अब कुछ अकामा जो है वो मिलते हैं लेबर के लिए, जैसे ये होता है लोडर अनलोडर वगैरह हो गया। अच्छा, या फिर ये सही के खास के लिए हो गया, ये इस तरह के काम, ये सस्ते होते हैं, ये आपको सस्ते पड़ जाते हैं। लेकिन तो उनका ट्रांसफरेबल मेरा ख्याल कुछ इशू होता है। उनका इशू ये होता है कि आप छोटे महीने से बड़े महीने में ट्रांसफर नहीं करवा सकते। अच्छा। मतलब कि आपका अगर लेबर का वीजा और आपने किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में ज्वाइनिंग की है ना, तो वो आप ट्रांसफर नहीं वो कर लेंगे आपका, क्योंकि महीना चेंज नहीं होगा। अच्छा। बड़े से छोटे में महीना चेंज हो जाएगा, छोटे से बड़े में महीना नहीं चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद बड़ा महीना, ठीक है। अब एज अ फ्रेशर आप यहाँ पे आए थे, इतना खास आपका पाकिस्तान में एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आपने काम किया था वहाँ पे एज अ इंटर्नी, लेकिन यहाँ पे आके आपको जॉब फाइंड करने में क्या हर्डल आई है? यार वो काफ़ी डिफिकल्ट है यहाँ पे जॉब है। बेसिकली फर्स्ट तो ये आपको जॉब नहीं देंगे। अच्छा, फ्रेशर को मतलब कि कोई अजनबी वगैरह ना, उसको एज अ इंटर्नी ये रखते नहीं है। अच्छा, आपको आना पड़ेगा एक्सपीरियंस के लिहाज से, आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस शो करवाना पड़ेगा। मेरा ये था कि कुछ मतलब कि यूट्यूब वगैरह से या कुछ नईम भाई से सीख तो मेरा नाम ना डाले तो, वो बस इस तरह से इंटरव्यू क्रैक किया था। तो किस प्लेटफॉर्म से आपको जॉब मिली? था कि एक्सपीरियंस हूं मैं, मतलब कि। अच्छा, यानी कि आपने डाला कि मतलब 3-4 साल का एक्सपीरियंस है। 2 साल का मेरा एक्सपीरियंस। अच्छा, एज अ फ्रेशर तो ये आपको लेंगे ना अजनबी वगैरह को, किसी को भी फ्रेशर इंटरनी तौर पर रखेंगे नहीं, ये या तो सऊदी रखेंगे या कोई ये सीरिया वगैरह का होगा, अरबी खास तौर पे, अरबी को ये प्रेफर जिसको यानी कि जिसकी नेशनल लैंग्वेज अरबी को। हाँ, अरबी को प्रेफर करते हैं यार ये ज़्यादातर। इंटरनी तो आपको अजनबी पाकिस्तानी बंगाली इंडियन ये आपको इंटरनी यहाँ पर बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर मिलते भी यहाँ, हो सकता है कोई पर्सन हो जो एज अ इंटर्नी काम कर रहे हो, लेकिन इतनी सैलरी नहीं होगी। अच्छा, आप सैलरी का बताएं इनको कि ये सैलरी का क्या सीन है इंटर्नी के लिए। यार इंटर्नी तो मतलब कि आप ये, हाँ, अगर आपका इंटर्नी है ना मतलब कि अरबी वगैरह कोई भी है, सऊदी हो, लोकल हो, तो इंटर्नी के तौर पर आपको 6,000-7,000 देते हैं ये। अच्छा, ऐसा सऊदी, क्योंकि इनके गवर्नमेंट की पॉलिसी है मिनिमम वेज 6,000 होना चाहिए सऊदी के लिए। अच्छा, 7,000 इस तरह की को देंगे। सऊदी को आप छोड़ रहे हैं, आप एक्सपेक्ट्स के बारे में बताएं जो हम हैं। भाई जो हम हैं अजनबी वगैरह हैं जो मतलब के सऊदी नेशनल नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, उसको तो इंटर्नी रखेंगे। अच्छा, लेकिन जॉब के लिए अगर मिसाल के, हाँ, तो फिर आपको मेरे ख्याल से 3,500-4,000 तक स्टार्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा नहीं आपको पे करेंगे कभी, ठीक है। बाकी आप जद्दा से यहाँ पे आपने कंपनी क्यों स्विच करना चाह रहे हैं? यार मेरी कंपनी का ज़रा थोड़ा इधर सबसे मेन इशू चलता है आपका ही काम का। क्या आपका जो है वो कोई कंपनी ऐसी होती हैं कि वो आपका एक काम रीन्यू नहीं करते। अच्छा, वो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वगैरह पेश आती है, तो मैं इसलिए स्विच कर रहा हूँ कि कंपनी थोड़ा
प्रॉब्लम कर रही थी यू नो कि कामा नहीं नया बनवा रही थी, इस तरह का इशू कर रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा स्विच करते हैं। तो सऊदीया में इतने सिटीज़ है, रियाद ही क्यों? यार रियाद बेसिकली कैपिटल है ना इधर, ये जो है वो सॉफ्टवेयर के लिहाज से, आईटी के लिहाज से ना, मेरे ख्याल से बाकी जो शहर है ना उसके निस्बत यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा है अमेरिका से, रियाद में बेहतर है थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पे जो जो एक्सपेंस वगैरह आते हैं हाउसिंग के, ठीक है, आप आपने दोनों में कंपैरिजन बताना है, जद्दा का और यहाँ का। आपको क्या लगता है, रियाद में एक्सपेंसेस ज्यादा हैं या जद्दा में? अकोमोडेशन के लिहाज से, बाकी चीजों के लिहाज से तकरीबन मैं कहूँगा कि 40% डिफरेंस है। 40% से और इधर? हाँ, अच्छा, मतलब कि 40% आपको ज्यादा पे करना पड़ता है जद्दा के। और ऊपर से जद्दा में आपको रिहाइश भी जो है ना वो अच्छी मिल जाती है, मतलब कि एक पूरा घर मिल जाता है आपको, यू नो, सेपरेट वॉशरूम, 2-3 रूम होते हैं, फिर सेन बाय गार्डन, मतलब इस तरह आपको मिल जाता है कोई 3,000-3,500 तक का। अच्छा, मतलब साल के लिए कि 6 महीने? नहीं, मंथली। मंथली 3,500? 3,000 तक। उसमें यार कि काफ़ी बड़ा वो अपार्टमेंट होता है, 3-4 बंदे रह के, फिर वो एक पूरा यार समझ ले के विला है, एक किनाल का तकरीबन आपका घर होता। अच्छा, है और बाहर उन्होंने वो दिया होता है आपको, गार्डन वगैरह भी बना होता है। अच्छा, ठीक है, इस लिहाज से। पर इधर ये इशू है ना, इधर ये रिहाइश वगैरह आपको इतनी आसानी से, पहले तो इतनी आसानी से मिलेंगी नहीं। अच्छा, सेकंड ये है कि अगर आपका मिल भी जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है यार, मतलब कि अभी इसी रिहाइश की अगर बात करें जहाँ पर मैं, ये कोई इतनी खास रिहाइश नहीं है यार देखा जाए तो। ठीक है, नॉर्मल है, मतलब कि अगर देखा जाए इतनी, मतलब कि वेल फर्निश नहीं है, मतलब कि चीज़ें नहीं है, तो इसका भी किराया माशाल्लाह 20,000 तकरीबन 20,000 किराया। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी बात, अभी बात कर लेते हैं क्यूए की। ठीक है, क्यूए में आपको क्या लगता है कौन कौन से टूल ज़्यादा सऊदी से यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, जो लोग क्यूए में जॉब करना चाह रहे हैं उनको किस टूल्स में ज़्यादा काम करना चाहिए? मिनिमम आपको ना मैनुअल तो लाजमी है ना, आपको आनी चाहिए मैनुअल टेस्टिंग वगैरह में, जो भी है यूज़ केसेस बनाने आने चाहिए आपको, सिनेरियोज डेवलप करने आने चाहिए आपको, डिज़ाइन वगैरह पढ़ना आना चाहिए, चीज़ें आपको लाजमी, मतलब ये तो आनी चाहिए। सेकंड आगे आपके आ जाते हैं प्लस पॉइंट्स, अगर आपने साइप्रस की है ऑटोमेशन के टूल के लिए, आपसे साइप्रस पे वर्किंग की है तो वो बेहतर है, वो ये लोग मानते हैं। और सेकंड आपने अगर पोस्टमैन की एप्लीकेशन यूज़ की है API टेस्टिंग के लिए तो वो भी आपका प्लस पॉइंट है। अच्छा, तो ये चीज़ें अगर आप मतलब कि रिज्यूमे में अपनी लिखती हैं तो ये प्रेफर करेंगे इन चीज़ों को। सर्टिफिकेशन के लिहाज से आपको क्या लगता है, सर्टिफिकेट मतलब कि सर्टिफिकेशन की हो, उससे जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं? क्योंकि आपकी 2 सर्टिफिकेशन है ना जो आपने की हुई है, ESTB और दूसरी है। हाँ, तो वो होनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि ये देखते हैं ये लोग ना सर्टिफिकेशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिनको सर्टिफाइड किया हो ना, इंटरव्यू वगैरह में पूछते हैं कि आपने कोई सर्टिफिकेशन वगैरह किया QA के लिहाज से। लोकल है, अगेन लोकल बंदे से नहीं ये पूछेंगे, अगर कोई पाकिस्तानी इंडियन वगैरह हो उससे तो लाजमी है। और दूसरा, आपको फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है सऊदीया का, किस लिहाज से, IT के लिहाज से, IT के लिहाज से या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से? किसके साथ कंपेयर करूँ? आप उसको ना सऊदीज के साथ कंपेयर करें। अगर मैंने एक पोस्ट की थी लिंक्डइन पे, जिस पे लिखा हुआ था कि मतलब कि ना दुबई के लिहाज से सऊदीया, अगर रियाद देखा जाए ना, दुबई और रियाद को अगर कंपैरिजन किया जाए तो 80% ना एक्सपैट्स जोन से बाहर के बंदे हैं ना वो दुबई में काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर रियाद की बात करें तो 60% सऊदी काम कर रहे हैं, 40% खारजी काम कर रहे हैं। वो भी है ना, एक इशू भी चल रहा है ना इनका सऊदी के साथ, सऊदी का जो इशू चल रहा है, उस वजह से मेरे भी जो कंपनी में है वो अब मोस्टली उन्होंने यही किया, जो ऊपर हायर किए ना इन्होंने अब, अच्छा सऊदी अब काम नहीं करते। अच्छा, काम चोर बंदे हैं। अच्छा, ना डेवलपमेंट इन्होंने करनी है ना इधर करनी है, इन्होंने बस ऊपर बिठा देना कि इधर हमारे पास एक सऊदी है मैनेजर के तौर पर, या इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर इस तरह, और काम सारा करना है टीम लीड ने। अच्छा, उन्होंने बस उसको गाइड कर देना है कि ये हो रहा है या इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है, वो बेसिकली यही काम कर रहे हैं कि बैलेंस कर रहे हैं, यू नो, सऊदीलाइजेशन कानून के मुताबिक आपको करने ही पड़ेंगे आपको आए, नहीं तो वो आपका इतना काम है इतना एक्सपेंसिव कर देते हैं आपकी कंपनी को कि आप वो बजट में नहीं आपके बैठते, इसलिए वो जानबूझ के फिर सऊदी रखना उनको मजबूरी हो जाती है। तो ये है कि उसकी वजह से जो है वो काफ़ी, यानी कि जो टेक्निकल फील्ड्स होती है ना उसमें वो ज़्यादातर सऊदी एक्सपर्ट्स को रखते हैं। ठीक है, बाकी सऊदीज को हेड बना देते हैं। ठीक है, इस तरह से कोई सीन है, ज़्यादा बर्डन नहीं सऊदी पे डलता। ठीक है, वो लोकल पे इतना ज़्यादा वो बर्डन नहीं डालता जो दूसरे इंटरनेशनल तौर पर आए होते हैं। सऊदी आने के फ़ायदे बता दें कोई 3। माशाल्लाह, हम उमरा कर रहे हैं, मदीने जा रहे हैं, सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है यार। ठीक है, सेकंड? सेकंड यार मैं कहता हूँ मेरे ख्याल से कि अगर आपको पाकिस्तान में
उसके लिहाज से इनकम आपकी है 1 लाख तो सऊदी में आपके मिनिमम मेरे ख्याल से 4 लाख होगी, इनकम का काफ़ी डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा वो भी है ना कि वहाँ पे डॉलर चेंज होता है, वहाँ पे तो हाँ, आपकी 4 लाख भी हो तो आप कहेंगे वही ना महंगाई का। अगर पाकिस्तान में इशू है कि इतने परसेंट बाहर गया तो आपका वो डॉलर अगर बाहर रहा है तो रियाल के साथ इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तीसरा फ़ायदा क्या हो गया मेरे ख्याल से तो ज़्यादातर नुकसान ही है, फ़ायदे कम। नुकसान बता दे, चले कोई बड़े तीन में नुकसान बता दे। घर वालों से बंदा दूर रहता है, ये वगैरह जिंदगी भर इधर फिर गुजारता है, ठीक है, नहीं होता है ये कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट, ये बंदा शादीशुदा इसी वजह से बता रहा है। दूसरा नुकसान यार मेरे ख्याल से ये है, जिस तरह आप फ्रीली पाकिस्तान में मूव वगैरह करते हैं कोई टेंशन वगैरह नहीं होती, शुरू ने पकड़ लिया कोई नहीं है, 100 दी तय सैरती हो गया, 200 दी तय सैरती हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस आप कह सकते हो, हां का गाड़ी बहुत ज्यादा इतना स्ट्रिक्टनेस है इन चीजों के लिए। तीसरा इशू ये है, सबसे बड़ा इशू तो मैं कहता हूँ इधर काम में अगर कोई कंपनी आपको मिल गई, अगर उसने काम नहीं आपका किया हुआ, आप मेरी मिसाल दे सकते हैं, जैसे 4 माह हो गए बगैर ही काम के चल रहे हैं, और अभी तक शुक्र ये है कि शुरते ने पकड़ा नहीं है सही तरह। अच्छा, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं सोचा कि पहले नंबर पे एक अजनबी के लिए आ सकूँ अगर कहूँ तो ये काम का प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सो मच बासित भाई आपकी ये इन्फॉर्मेशन, उम्मीद है बाकी लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो बासित भाई ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इतनी मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, लेकिन ये सब्सक्राइब करते नहीं है, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करके सवालात नहीं पूछते। बाकी बासित भाई का कोई भी आप सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, लिंक्डइन का मैं इनका अकाउंट कुएं के लिहाज से तो मैं लिंक्डइन का इनका लिंक दे दूंगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब लाजमी करना, अल्लाह हाफिज़।